शेयर कीजिएगा और जो श्रद्धालु इस बड़े हादसे में घायल हुए हैं उनके लिए दुआ जरूर कीजिएगा। दुख खबर इस समय देखे चैनल के माध्यम से देखते हुए कि किस तरह से एक बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है। यात्रियों से भरी बस जो है वो गहरी खाई में गिरी है, जिसमें जितने भी सवार वहाँ पे यात्री थे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज पहले अखनूर में किया गया और उसके बाद उनकी हालत जो है वो क्रिटिकल बताई गई और अब वो जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर उन्हें लाया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि किस तरह से यात्री जो है वो माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकले थे और उसी बीच शिवकोडी के दर्शनों के लिए जा रहे थे और ये बस जो है वो गहरी खाई में गिर गई है, जिसमें 20 से 25 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बात जो है सामने आई है। और दृश्यों में आप देख सकते हैं कि इस समय जिस तरह से यात्रियों को जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया गया है ताकि जान जो है वो बचाई जा सके, वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टाफ आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से यहाँ तैयार, यानी कि पूरी तैयारी यहाँ पे की गई थी कि एक पल भी ऐसे का ना बर्बाद हो, ऐसे यात्री जो की गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनका इलाज जो है बड़े पैमाने पे यहाँ पे किया जाए। अरेंजमेंट जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर द्वारा की गई है और यहाँ के प्रिंसिपल के साथ आदेश थे किसी तरह की भी सफाई नहीं होनी चाहिए और जिस जल्दी पेशेंट वहाँ पे पहुंचते हैं वो पेशेंट जो है वो जल्द से जल्द अंदर पहुंचाया जाए ताकि उनकी ट्रीटमेंट जो है आप लोग जरूर दुआ कीजिएगा माता रानी से कि जल्द ये लोग जो है वो ठीक हो। फिलहाल बड़ी अपडेट इसी चैनल के माध्यम से देखते हुए जिस तरह का बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है, जिसमें कई लोग यानी 20 से 25 लोगों का आंकड़ा है और बस के दृश्य जो है वो काफी ज्यादा विकृत करने वाले वो गहरी खाई में जा गिरी है। चौकी चौरा के पास बताया जा रहा है बम्बियाल और चौकी चौरा के बीच ये हादसा जो है वो पेश आया जहाँ खाई में ये बस गिरी है और उसके बाद उन पेशेंटों को पहले नजदीकी अस्पताल यानी अखनूर पहुंचाया गया और अखनूर के बाद उन्हें अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर लाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी तैयारी जो है वो यहाँ पे की चुकी है। साथ के साथ शेयर करें और दुआ जरूर करें और खबरों परिजनों तक भी पहुंचे, जिनके परिजन जो है वो घरों से यात्रा के लिए निकले थे मगर एक बड़ा हादसा जो है उनको पेश आया है और अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि उनकी जान जो है वो बचाई जा सके। कहीं और स्थानीय लोग वहाँ के जिन्होंने इस हादसे में लोगों की मदद की और सबसे अच्छी बात इसमें ये देखने को मिली कि वहाँ के स्थानीय लोग जो वहाँ से गुजर रहे थे अपनी गाड़ियों में उन्होंने वहाँ से पेशेंटों को जो है वो अस्पताल पहुंचाया गया तो देने के लिए समय जो है वो बचा है। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा हादसा जो है वो पेश आया तो क्या कुछ गति जो है सकती थी। फिलहाल काफी ज्यादा क्रिटिकल लोग जो है उन्हें जम्मू जो है वो रेफर किया गया है और जम्मू इस दृश्यों में देख सकते हैं कि किस तरह से पेशेंट जो है वो जम्मू में पहुंच रहे हैं और उनका इलाज यहाँ पे बेहतर तरीके से किया जाए। उनकी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज और बख्शीनगर की मेडिकल कॉलेज जो है वो शुरुआत के लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता और ऐसे बड़े हादसों के लिए सबसे पहले यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पर यहाँ पर
किसी कंडीशन में घायलों को लेकर जाया गया है, इलाज हुए बच्चों का है, सीधे मौके पर मौजूद है, जा रहे हैं घायलों का जायजा लेने के लिए, फिलहाल जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये आप हॉस्पिटल हालांकि आगे के बीच जानकारी मिल रही है काली दाह के पास कुछ की टीमें जो है वो भी यहाँ मौके पे पहुंची हुई है, ताकि यहाँ पर सुरक्षा जो है वो यानी कि कोई गाड़ी जो है वो बीच ना लगे और किसी तरह की भी कोई बात यहाँ ना हो, यानी कि हर एक यात्री की जान बचाने के निरंतर प्रयास जो है वो किए जाए। आपको बता दूं कि शिवखोड़ी के दर्शन करने ये गाड़ी जा रही थी, हालांकि बताया जो पहली जानकारी है माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पे आए थे और उनके गाइड द्वारा बताया गया कि शिवखोड़ी से होते हुए ये गाड़ी जो है वो माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाएगी। और उसी बीच एक बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है जिसमें 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बस का आंकड़ा अभी तक नहीं पता चल पाया कि आखिरकार कितने यात्री जो है वो उस बस में सवार थे, क्या अपनी जितनी उसकी बस की कैपेसिटी है उतने ही यात्री थे या फिर उससे ज्यादा है। अब ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे देखा जाएगा कि आखिरकार कहीं के एक्स्ट्रा यात्री तो इन बसों में नहीं थे, मगर दुर्भाग्यपूर्ण पल कि किस तरह से बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है जिसमें बस एक गहरी खाई में गिरी है और गहरी खाई में गिरने के बाद 20 से 25 लोग जो है वो इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। माता रानी के आगे यही दुआ कीजिए कि ये लोग अच्छे काम के लिए घर से निकले थे, माता रानी के दर्शनों के लिए जा रहे थे, बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जा रहे थे, तो इनकी लाज रखें और ये फिर अपने परिवार के सदस्यों से वापस मिले क्योंकि काफी ज्यादा गंभीर ये लोग इस समय। और यहाँ पर लोगों का धन्यवाद करना होगा कि लोग अपनी गाड़ियों में जो वहाँ के लोग थे उस समय उन्हें बसों से निकाल अपनी गाड़ियों में बिठा के अस्पतालों में पहुंचा रहे थे। ये वो पल रहता है कि जब किसी की जान बचानी हो तो हम सबको मिलके आगे आना होगा, क्योंकि लोगों ने आज वहां पर ये बात जरूर दिखाई है कि अपनी गाड़ियों में लेके अस्पतालों की ओर लोग दौड़े हैं। तो अपील रहेगी अखनूर के साथ सटे हुए लोगों से कि वो बस जो है